नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि आरबीआई ने एटीएम से कैश की निकासी की सीमा बढ़ा दी है। नए ऐलान के मुताबिक अब आप रोज एटीएम से 10,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। अभी तक यह सीमा 4,500 रुपए है। इसके अलावा आरबीआई ने चालू खाते से हर हफ्ते 1,00,000 तक की निकासी को मंजूरी दे दी है। पहले यह सीमा 50,000 रुपए की थी। वहीं अब तक लोग अपने खाते से हफ्ते में 24,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन आरबीआई इसमें भी बदलाव की तैयारी में है। इसके तहत लोगों को सेविंग अकाउंट से हफ्ते में 35,000 रुपए निकालने की छूट मिल सकती है। इसका ऐलान बजट से पहले हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार इस बार 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। 4 फरवरी से राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। अब तक रिकॉर्ड के अनुसार 10,00,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में डाले जा चुके हैं और तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए के नोट देश के विभिन्न करेंसी चेस्टों में हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में भी कैश की किल्लत को खत्म करने पर आरबीआई का फोकस है। आरबीआई लगातार नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत खत्म करने के लिए कदम उठा रहा है और अब एटीएम से रुपए निकालने की सीमा भी बढ़ा दी गई है। जाहिर है कि इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।